अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्निकल शकूर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी YouTube चैनल्स की वीडियो को मोबाइल पर एक प्रोफेशनल तरीके से आप उसको किस तरह अपलोड कर सकते हैं, उसके थंबनेल आपने किस तरह लगानी है, टाइटल आपने किस तरह लगानी है, डिस्क्रिप्शन आपने किस तरह लगानी है, साथ ही साथ आपने कौन सी टैग्स लगानी है, किस तरह लगानी है। अगर आपको प्रोफेशनल थंबनेल बनाना नहीं आता तो यहाँ आपको आई बटन पे वीडियोज मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके आप वीडियोज वॉच कर ले, डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वीडियो आप वॉच करके सही तरीके से एक प्रोफेशनल थंबनेल को बनाना सीखी और उसके बाद जो है ना यहाँ पे अपलोडिंग करना स्टार्ट कर दें। आज की वीडियो में हम कंप्लीटली ए टू जी डिस्कस करेंगे कि मोबाइल पर हम अपनी यूट्यूब चैनल्स की वीडियो को किस तरह सही तरीके से अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने यहाँ पे राइट साइड पे आपने अपने अकाउंट को लॉगिन करना है, अपनी यूट्यूब चैनल का अकाउंट जो कि ईमेल और पासवर्ड से आपको लॉगिन करोगे और उसके बाद ऐसे इंटरफेस आपको सामने आ जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ ये जो प्लस की निशान है इस पर आपने क्लिक करना है और आगे अपलोड अ वीडियो पे क्लिक करना है। अपलोड अ वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास जहाँ भी आपकी वीडियो है उसी पे आपने जस्ट सिंपली क्लिक करना है और उसको अपलोड करना है। तो मैं इसी वीडियो पे क्लिक करता हूँ और मैं एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ से इसको अपलोड करता हूँ। इससे पहले अपलोड करने से पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप टाइटल अभी से लिखना चाहते हो तो आप अभी से भी लिख सकते हो, नहीं तो आप अभी इसको छोड़ दे, डिस्क्रिप्शन भी छोड़ दे। इसको आपने स्टार्ट में क्या करना है, अनलिस्टेड करना है। अनलिस्टेड का यहाँ पे ये होता है कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगा तो बाकी चेंजेस करने से पहले ये किसी के पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे पब्लिक करोगे तो फिर हर किसी के पास चला जाएगा, फिर पब्लिक हो जाएगा। तो आपने अनलिस्टेड कर देना है और उसके बाद सिंपली अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इसकी अपलोडिंग जो है ना वो स्टार्ट हो गया और यहाँ पे इसकी अपलोडिंग ख़त्म भी हो गया है। अब उसके बाद आगे आपने क्या करना है, सिंपली आपने इसको ख़त्म कर देना है और यहाँ प्ले स्टोर में आना है। आपने प्ले स्टोर में आके यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे वाई टी स्टूडियो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यूट्यूब स्टूडियो टॉप पे आ गया। आपने इसको जो है ना इंस्टॉल करना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करते हैं उसके बाद आपने ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आपके पास ऐसे इंटरफेस सामने आ जाएगा। यहाँ पे राइट पे आपके यूट्यूब चैनल का लोगो आ जाएगा। यहाँ पे अगर नहीं है तो आप यहाँ से इसको लॉगिन कर ले सेम यूट्यूब की तरह। जैसे आप इसको लॉगिन करते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है, ड्रॉप डाउन करने और यहाँ पे जो वीडियो आपने पब्लिश की यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं वीडियोज़ में जो है ना यहाँ पे अनलिस्टेड शो हो रहा है, ये अनलिस्टेड क्या आइकन है, तो आपने इसी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपने ऊपर से पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है। पेंसिल के आइकन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप अपनी वीडियोज़ के टाइटल डाल दें, ठीक है, जो भी आप टाइटल डालना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डालता हूँ, ये एक शॉर्ट वीडियो है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे चैनल इंट्रो, ठीक है, जस्ट मैंने ये लिखा, ये मेरा टाइटल है। उसके बाद आपने यहाँ पे पेंसिल के निशान पे क्लिक करके एड डिस्क्रिप्शन टाइप टू मेंशन है चैनल, ठीक है, आपने यहाँ पे अपने वीडियो के जो है ना बारे में डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन आपने लिखे हैं तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है, अपने वीडियोज़ के बारे में। ये मैंने अपने इस वीडियो के बारे में जस्ट ये लिखा कि दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल लेटेस्ट इंट्रो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे जो बैक का बटन है इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इस पेज पे आ जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सेव हो गया। उसके बाद इस आइकन पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है और यहाँ पर इसको पब्लिक कर देना है, ठीक, क्योंकि हम अभी वीडियो पब्लिक करने जा रहे हैं। तो उसके बाद आपने पब्लिक सेलेक्ट करके दोबारा बैक आना है, बैक आके ये पब्लिक हो गया। उसके बाद अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज्ड है तो ये ऑप्शन आपके पास आएगा, आपने इस पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक से मोनेटाइजेशन को ऑन कर देना है। तो यहाँ से उसके बाद अगेन बैक कर देना है तो यहाँ से आपकी जो मोनेटाइजेशन है वो भी ऑन हो जाएगी। उसके बाद नो इट्स नॉट मेट फॉर किड्स, ये वाला ऑप्शन जो है ना सेलेक्ट ऑडियंस के लिए आपने कर देना है कि ये वीडियो जो है ना मेट फॉर किड्स है या नहीं है। तो ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं है तो यहाँ पे इस वजह से मैंने नो इट्स नॉट मेट फॉर किड और या एज रेस्ट्रिक्शन पे क्लिक करके ड्रॉप मेन्यू पे क्लिक करके येस रेस्ट्रिक्टेड माई वीडियो टू वेवर्स ओवर 18, ठीक है, ये भी आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है कि ये अंडर 18 के लिए है या नहीं है। तो यहाँ से मैंने नो कर दिया, अगेन बैक पे क्लिक करोगे तो यहाँ से ये ना सेलेक्ट हो जाएगा अगेन। अब उसके बाद यहाँ पे आप अपने प्लेलिस्ट को भी ऐड कर सकते हैं। प्लेलिस्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे जो है ना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे है ऐड टैग्स, आपने टैग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे टैग्स क्या होते हैं, टैग्स सेम टू सेम आप अपनी वीडियो के टाइटल जैसा आप जो है ना यहाँ पे डिफरेंट टाइटल्स लिख सकते हो, टैग्स उसे कहते हैं, ताकि कोई भी उस टैग्स को सर्च करे, उस टाइटल को सर्च करे, वो जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सर्च होके जनरेट हो जाए। तो यहाँ से आप अपनी जो है ना टाइटल से मुतालिक जो है ना मुख्तलिफ टैग्स यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह मेरा टाइटल यहाँ पे चैनल इंट्रो, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ माई चैनल इंट्रो
या इंट्रो, चैनल इंट्रो, इंट्रो इन उर्दू, हाउ टू मेक इंट्रो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं ताकि जो भी चीज़ लोग सर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ऐसे टैग्स उसको मिल जाए ताकि आपकी वीडियो उसके सामने आ जाए। उसके बाद आपने क्या करना, ये वाला ऑप्शन तो हो गया यहाँ से। अब उसके बाद हमने एडवांस सेटिंग करनी है, तो एडवांस सेटिंग करने के लिए आपने यहाँ से जो है ना अब बेसिक होगी, अब आपने एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना कैटेगरी आपने तो पहले से सेलेक्ट किया होगा, अगर नहीं तो यहाँ से आप अपने कैटेगरी सेलेक्ट कर ले। उसके बाद लेस ये स्टैंडर्ड यूट्यूब लेसेंस आप कर ले, कमेंट्स आप अलाउ करना चाहते हो आप कमेंट्स भी अलाउ कर सकते हो। उसके बाद लाइक्स डिसलाइक आप अलाउ करना चाहते हो भी आप यहाँ से अलाउ या डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन ये भी आप यहाँ से अलाउ जो है ना या डिसेबल आप कर सकते हो। अगर ये वीडियो आप डिलीट करना चाहते हो यहाँ से आप डिलीट फ्रॉम यूट्यूब करके यहाँ से ये वीडियो जो है ना ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। जैसा बेसिक इन्फॉर्मेशन में आते हैं तो यहाँ पर आपने इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी जो पहले से आपकी वीडियो ने जनरेट किया हुआ होता है वो जो है ना यहाँ पे थंबनेल होता है, नहीं तो अगर आप कस्टम जो है ना करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपने सेम सिंपली आपने यहाँ पे जो है ना ये कस्टम थंबनेल पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप जो है ना ये कस्टम थंबनेल चेक कर सकते, इसी पर आपने क्लिक करना है और ऊपर से आपने उसको सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद ये आपकी वीडियो ने पहले से जनरेट किया हुआ है थंबनेल्स, अगर आप जो है ना अपना बना हुआ थंबनेल को जो है ना आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कस्टम थंबनेल पे क्लिक करें और आगे अपनी जो है ना स्टोरेज से जो है ना आप थंबनेल निकाल के यहाँ पे जो है ना यहाँ सेलेक्ट के बटन पे क्लिक करें तो यहाँ से आपका थंबनेल सेलेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आपने सिंपली यहाँ सेव के बटन पे क्लिक करना है तो आपकी वीडियो यहाँ से ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी और पब्लिक हो जाएगी। तो इस तरह आप अपनी वीडियो को जो है ना मोबाइल पर जो है ना पब्लिश कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो पसंद करो, वीडियो पसंद को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।